हम आपको आयु बताएंगे, आयु के बारे में। जैसे आयु कितने प्रकार की होती है, पहले आयु पहला होता है स्तंभ आयु, दूसरा होता है पंक्ति आयु, सही। तीसरा होता है पंक्ति क्षैतिज आयु, चौथा होता है ऊर्ध्वाधर आयु, पांचवा होता है वर्गाभ्यु, सही। छठवां होता है ऊर्ध्वाधर विकर्णाभ्यु, सातवां होता है अधिशाभ्यु। आठवां होता है इकाई आयु, नौवां होता है इकाई जो अभी होता है इसको अलग नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि तत्सम आयु, तत्समक आयु, या हम बोल नहीं पा रहे जैसे कि ढंग से तत्समक आयु, सही। और नवा होता है जैसे कि शून्य आयु, शून्य मतलब जिसमें सभी शून्य हो, तात्पर्य भाई इकाई मतलब जिसमें विकर्ण के, जो विकर्ण मतलब जो त्रियक होता है जैसे विकर्ण, अभी बताएंगे उसके बारे में अगले स्टेप में। देखिए शून्य आयु, और एक दसवां होता है त्रिभुज आयु, ग्यारहवा होता है ग्यारहवा उप आयु, उप आयु ये कहीं लिखे हैं यहाँ पर होना चाहिए, और बारहवा होता है समान आयु, सही। इतने आयु होते हैं, आपको धीरे धीरे दिखा रहे हैं। देखिए हम बताएं आयु, आयु प्रकार पहला क्या होता है स्तंभ आयु। उदाहरण देखें, जैसे स्तंभ मतलब एक, मतलब उदाहरण के तौर पर तीन चार पाँच, ये मतलब पंक्तियों की संख्या, इसमें ये पंक्ति की संख्या में जितने हैं, पहली पंक्ति में तीन है, दूसरी पंक्ति में चार है, तीसरी पंक्ति में पाँच है, इसी प्रकार। और अस्तंभ में देखिए, अस्तंभ में सिर्फ तीन चार पाँच आते हैं। अस्तंभ मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा, ये सीधा मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर, समझ जाए। अस्तंभ मतलब कालम, अंग्रेजी बोले जाए तो कालम बोलते हैं, कालम। रो मतलब छत्तीस, ये जो पंक्ति ये क्या है पंक्ति, इस तरह से पंक्ति होती है। अब जो होता है अस्तंभ सीधा होता है, समझे। अस्तंभ आयु जिनमें अस्तंभों की संख्या एक हो, अब पंक्तियों की संख्या अस्तंभों से एक से अधिक हो, तो उसे ही अस्तंभ आयु कहते हैं। चलिए अगले शो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।